तो प्रीवियस जो आपकी असाइनमेंट थी वो एसोसिएशन से रिलेटेड थी। एग्रीगेशन और कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो इसमें आपसे कहा ही गया था कि आपने एक आथर की क्लास बनानी है, और आथर क्लास के अंदर जो है वो आथर का नाम होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, वो जो भी आथर है उसने टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो लिखी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने मेंटेन करनी, और सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स जो उसने लिखी हैं उनको मेंटेन नहीं करना था, बल्कि वो जो बुक है जितनी भी उसने बुक लिखी हैं उन बुक्स की आइडियाज़ क्या हैं, उन बुक्स के टाइटल्स क्या हैं, उन बुक्स की जो प्राइस है वो क्या कितनी है, और उन बुक्स के जो पब्लिशर हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो इट मीन्स कि अगर हम इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो जो आथर है और बुक है ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं, और इन दोनों के दरम्यान में कोई एसोसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि बुक जो है वो बेसिकली रिलेट करी है ऑथर के साथ। सो यहाँ पे हमने जो है वो कंपोजिशन एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना था। आपसे कहा ही गया था कि एसोसिएट दीज टू क्लासेस विद ईच अदर इन अ वे दैट द यूज़र कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑथर विद द डिटेल्स ऑफ हिज टोटल रिटन बुक्स, और उन बुक्स की सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी चाहिए। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जो बेहतर तरीका था वो ये था कि हम जो है वो चूँकि हमें ऑथर क्लास के अंदर नंबर ऑफ बुक्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो जो ऑथर क्लास है उस क्लास के अंदर मुझे बुक क्लास की एक एरे रिक्वायर्ड है। एरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कहा कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, और यहाँ पे इवन भी था कि एटलीस्ट आपने जो है वो 3 बुक्स जो है वो सेव कर ली। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली ऑथर क्लास के अंदर बुक्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं ऑथर की जो क्लास बनाऊंगा इस क्लास के अंदर जो है मैं क्या कहूँगा कि एक बुक टाइप की मुझे एरे चाहिए। ठीक है, और उसको देखते हैं हम कैसे सेव करना है। पहले हम बुक क्लास देख लेते हैं। तो बुक में हमने क्या कहा था कि टाइटल होगा, पब्लिशर होगा, उसकी आईडी होगी, और इसी तरह से जो उसकी प्राइस है वो हमने सेव करनी है। और फिर जो है वो सेट बुक का एक फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे, जिसमें हम टाइटल और जो पब्लिशर है और इसी तरह से जो प्राइस की इन्फॉर्मेशन है और जो आईडी की इन्फॉर्मेशन है ये हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं। गेट बुक के फंक्शन में इन्हीं एट्रीब्यूट को यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। ये आसान है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। तो अब जो ऑथर की क्लास है, ऑथर का नाम होगा, उसकी टोटल बुक्स होंगी, सॉरी उसका ईमेल आईडी होगा, और इसी तरह से टोटल बुक्स। अब वो जो टोटल बुक्स होंगी उनकी बेस पे हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल बुक्स की बेस पे यहाँ पे मुझे एक एरे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो इस लाइन में हमने उस ऑथर का नेम इनपुट कराया। ठीक है, नेम में हमने उस ऑथर की इन्फॉर्मेशन सेव करा ली। इसी तरह से वो जो ऑथर है उसकी ईमेल आईडी हमने सेव की, और यूज़र से हमने ये पूछ लिया कि उस ऑथर की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, उसकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। ठीक है, और अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो मैंने इस एरे में सेव करानी है, तो मैंने ये किया कि बुक्स को न्यू करके टोटल बुक्स जो है वो असाइन कर दी। यानी अगर उस ऑथर की टोटल बुक्स फॉर एग्जांपल 5 हैं, तो वो जो बुक्स एरे है उसके साइज हमने सेट कर लिया, जो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चूंकि ये बुक्स एरे हैं तो मुझे इसके लिए जब इनपुट लेनी है तो मुझे एक लूप रिक्वायर्ड है। मैंने एक फॉर लूप चलाई है यहाँ पे, और बुक्स डॉट लेंथ तक मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी पहली बुक है उसको पहले डिक्लेयर किया हमने, आपको बताया था कि यहाँ ये जो कोड हमें लिखी है यहाँ से सिर्फ जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बन रहे हैं, हम जो है उन रेफरेंस वेरिएबल को कोई ऑब्जेक्ट असाइन करने के लिए हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और फिर मैंने ये किया कि वो जो बुक्स की इंडेक्स आई है यानी 0 है, उसके लिए मैंने सेट बुक कॉल कर ली। अब जब ये सेट बुक कॉल होगा तो अब इस बात है ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा बुक्स का, ये वाला। ठीक है, और इस सेट बुक में हमने बुक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट करवा ली। ठीक हो गया, और ये चूंकि हम लूप में कर रहे हैं
तो आप देखें कि जब ऑथर का सेट बुक कॉल होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये सेट बुक नहीं है, इसको मैं यहीं पे सेट कर सकूँ, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये फंक्शन है सेट ऑथर, ठीक है, सेट ऑथर, ठीक हो गया। और इसी तरह से ये जो एक मिस्टेक है गया यहाँ पे, ये गेट बुक्स की जगह पे यहाँ पे आएगा सेट बुक्स, सॉरी गेट ऑथर, ठीक है। ये फंक्शन की नेमिंग में यहाँ मसला है, इसको ठीक कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या किया, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमने एक लूप रन किया यहाँ पे, और उस लूप में हमने सेट बुक कॉल किया। तो ये सेट बुक ये वाला नहीं है, ये सेट बुक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सेट ऑथर है। सेट बुक जो है बुक का फंक्शन है, ठीक है, ये वाला। तो ये कॉल हो जाएगा, जब ये कॉल होगा तो हमने बुक की इन्फॉर्मेशन इनपुट करवा ली। अब यहाँ देखें कि ये जो फंक्शन है ये वाला, उसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, ये सेट ऑथर जो है, सेट ऑथर में हमने क्या किया, यहाँ तक हमने ऑथर की इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाई, यानी उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, और उसने टोटल जो बुक्स लिखी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने, जो बुक्स एरे है या जिन बुक क्लास है उसको यूज़ करते हुए हमने इनपुट करवा लिया, ठीक है। और गेट बुक्स में हम कह रहे हैं कि वो जो ऑथर है उसका नाम ये है, उसकी ईमेल ये है, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ये है, और जो जो बुक्स, टोटल बुक्स तो वहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दी, लेकिन वो बुक्स क्या हैं, उन बुक्स के नेम क्या हैं, हमने एक लूप चलाई बुक्स के ऊपर, फॉर लूप को इस तरह से यूज़ करना आपको आना चाहिए, बुक्स ये कह रहे हैं। तो हमने बुक टाइप का एक क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, होगा ये कि ये जो बुक्स एरे है इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो बी में आ जाएगा, और जब मैं लिखूँगा बी डॉट गेट बुक तो इट मीन्स कि बी ऑफ आई डॉट गेट बुक्स। तो यहाँ पे लूप को डिफरेंट वे से यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इधर यहाँ पे डिफरेंट वे में यूज़ किया है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, एक ही बात है। यहाँ पे जैसे हम ये कह रहे हैं कि आई ज़ीरो और बी ऑफ आई डॉट सेट बुक, तो यहाँ पे बुक ऑफ आई वहाँ लिखा हो, यहाँ पे आ जाएगा बी ऑफ बी डॉट गेट बुक। तो ये भी तरीका है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। सो यहाँ तक तो क्लासेस हमने बना ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑथर है, पहले मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ए डॉट सेट बुक, अब ये सेट बुक नहीं है बेसिकली, ये है, इसकी जगह आएगा गेट बुक, सॉरी गेट ऑथ, सॉरी सेट ऑथ। तो फंक्शन कॉल हुआ सेट ऑथर, तो जब ये सेट ऑथर हमने कॉल किया तो इससे क्या हुआ कि ऑथर का सेट फंक्शन कॉल हुआ। तो बेसिकली होगा ये कि हम यहाँ से इस फंक्शन की कॉल की वजह से कंट्रोल यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा, सेट ऑथर वाली क्लास के अंदर, ठीक है ना। और सेट ऑथर ये वाला फंक्शन है, ठीक। तो सेट ऑथर में मैंने बता दिया आपको कि पहले हमने उसका नाम, उसकी ईमेल और उसकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स के साथ हमने बुक की इन्फॉर्मेशन सारी इनपुट करवा ली। अब यहाँ से बेसिकली सेट बुक कॉल हो जाएगा, और कंट्रोल यहाँ से अगेन जंप करके इधर से कंट्रोल जो है वो ऊपर वाली क्लास में मूव कर जाएगा। तो एक्चुअली हम ऑथर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन साथ में हमारे पास बुक की भी आ रही है। तो अगेन जो है वो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा गेट ऑथर, ठीक है। तो जब ये गेट ऑथर कॉल होगा तो अगेन कंट्रोल जो है वो गेट ऑथर वाले फंक्शन में जाएगा, और गेट ऑथर ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि पहले उस ऑथर का नाम, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी और उसकी टोटल बुक्स के साथ, टोटल बुक्स की सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इस लूप के अंदर जो है वो क्रिएट की है, ठीक है। तो उस ऑथर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो
डिस्प्ले हो जाएगी विद टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो ये असाइनमेंट थी, आई होप कि समझ आ गई होगी आपको।